तो हेलो गाइस यार, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैंने अभी 2-3 दिन पहले एक पेटीएम एप्लीकेशन से रिलेटेड एक वीडियो बनाया था, ठीक है, कि हम पेटीएम एप्लीकेशन को एक्टिवेट कैसे कर सकते हैं, जो भी हमारा जो वॉलेट होता है पेटीएम का, उसे एक्टिवेट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो उस वीडियो के नीचे काफ़ी ज़्यादा लोगों का कहना था कि भाई आपका तो पेटीएम वॉलेट एक्टिवेट हो गया बट हमारा नहीं हो रहा है, ठीक है। तो गाइस उसमें फिर मुझे पता चला कि हाँ, हो सकता है आपके पास कुछ इस प्रकार का दिखा रहा हो जैसा कि अभी आप लोगों को मेरे पीछे दिखाई दे रहा है, ठीक है। क्योंकि भाई कुछ लोगों का पेटीएम वॉलेट इनएक्टिवेट तो है, ठीक है, जैसा कि मेरे उस वीडियो के अंदर मैंने दिखाया था केवाईसी का ऑप्शन आ रहा था, तो आप लोगों को केवाईसी का ऑप्शन नहीं मिल रहा होगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि आप लोग कैसे अपने आधार कार्ड से अपने पेटीएम वॉलेट को एक्टिवेट अभी भी कर सकते हैं। तो अभी मैं ट्राई करने वाला हूं, क्योंकि मेरा अभी इस डिवाइस के अंदर, जिसमें अभी आप पीछे देख रहे हैं, उस डिवाइस के अंदर अभी ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। और अभी यह वीडियो फेस कैम नहीं होने वाली है, क्योंकि भाई मेरे पास सिर्फ 2 ही फोन है, तो अभी मैं उस फोन से गाइस यहां पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग करूंगा, ठीक है। तो चलिए यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कुछ टाइम गवाए, और मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग कैसे पेटीएम वॉलेट को एक्टिवेट कर सकते हैं अपने आधार कार्ड से, ठीक है। हाँ तो गाइस मैं आ चुका हूँ अपने पेटीएम वॉलेट पेटीएम के अंदर, ठीक है, और मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि अभी जो मेरे में कैसा दिखा रहा है, ठीक है। अगर आपके पास भी भाई कुछ इस प्रकार का दिखा रहा है, यानी कि जैसा कि मैंने अभी आपको लोगों को बताया, ठीक है, कि इसके अंदर केवाईसी का ऑप्शन ही नहीं है, लेकिन अगर आप लोग मेरी पिछली वीडियो के अंदर देखेंगे तो उसमें केवाईसी का ऑप्शन था, ठीक है। अगर आपका पेटीएम वॉलेट फिर भी एक्टिवेट है, ठीक है, मतलब इनएक्टिवेट है, और अगर आपके पास केवाईसी का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप लोग किस प्रकार करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए गाइस मुझे यहाँ पर फाइनली एक ट्रिक पता चला कि आप लोग कुछ इस प्रकार से अभी भी कर सकते हैं केवाई, मतलब यहाँ पर पेटीएम वॉलेट को एक्टिव, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ अभी अपने पासबुक के अंदर, और भाई ये जो भाई हैंड जो भी मतलब है हैंड कैम वाला, ये भाई काफ़ी ज़्यादा भाई लूज है, तो इसलिए फ़ोन के ऊपर ही घुसा चला जा रहा है, ठीक है, एडजस्ट कर लेना। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरा पेटीएम वॉलेट अभी भी गाइस यहाँ पर एक्टिवेट नाउ दिखा रहा है कि अभी एक्टिवेट नहीं है, ठीक है। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि अभी कह रहा है कि सॉरी वॉलेट ओपनिंग इज टेम्पररी नॉट अवेलेबल, ठीक है। लेकिन गाइस अभी भी यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है, जैसे कि हम लोग पहले आधार कार्ड और पैन कार्ड, वोटर आईडी और लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस से कर सकते हैं ना, तो वो ऑप्शन अभी भी देखने को मिल रहा है। तो वो कहां पर देखने को मिलेगा आपको, उसके लिए देखिए क्या करना है। सबसे पहले मैं बता देता हूं कि आपको इस सर्च वाले ऑप्शन के अंदर जाना है, ठीक है। तो आप जैसे सर्च वाले ऑप्शन में जाएंगे तो आपको यहां पर सर्च करना है गाइज एड मनी, ठीक है। आप जैसे यहां पर एड मनी सर्च करेंगे तो देख सकते हो अभी यहां पर एड मनी आप लोग सर्च करेंगे तो आपको जो फर्स्ट में ये वाला ऑप्शन दिख रहा है एड मनी का, इसके ऊपर आपको टैप कर देना है। आप जैसे इसके ऊपर टैप करेंगे तो आप लोगों को यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा एड मनी टू गिफ्ट वाउचर, ठीक है, यहां पर। और भाई यहां पर आपको क्या करना है, इस गिफ्ट वाउचर के ऊपर क्लिक कर देना है। एंड दोस्तों क्लिक करें तो यहां पर एक पेटीएम वॉलेट का ऑप्शन आएगा, इसमें लिखा हुआ एक्टिव इन 1 सिंपल स्टेप, ठीक है। तो आप लोगों को इसके ऊपर सिलेक्ट कर देना है। आप जैसे सिलेक्ट करेंगे तो आप लोगों को आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासवर्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस और यहां पर कुछ नरेगा जॉब कार्ड है, तो आप लोग इससे गाइस कर सकते हैं। तो चलिए अभी मैं यहां पर करता हूं अपने आधार कार्ड से, पहले मैं आधार कार्ड की डिटेल डाल देता हूं इसके अंदर, ठीक है। तो अभी मैं यहां पर आधार कार्ड की एक बार डिटेल डाल देता हूं, ठीक है, वीडियो को पॉज करके। अबे पॉज नहीं हो रही है। तो गाइज फाइनली मैं यहाँ पर आधार कार्ड की डिटेल डाल चुका हूँ, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ गाइज, यहाँ पर करके देखता हूँ केवाईसी हो मतलब यहाँ पेटीएम वॉलेट एक्टिवेट होता है या फिर नहीं। और इसके अंदर साफ लिखा है आई एग्री टू टर्म एंड कंडीशन एंड कंसेंट, जो भी है कंसेंट टू स्टोर माई आधार कार्ड नंबर इन जो भी इनक्रिप्टेड फॉर्मेट फॉर कंप्लीटिंग माई मिनिमम केवाईसी, ठीक है। यानी कि हमारा पेटीएम वॉलेट है गाइज वो एक्टिवेट यहाँ पर सक्सेसफुली हो सकता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, बस यहाँ पर इनकी टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना और एक्टिवेट जो वॉलेट है इसको क्लिक करना है। और यहां पर कह रहा है थैंक यू फॉर, अभी यहां पर कुछ एरर आ चुका है पर थैंक यू फॉर एक्सपीरियंस योर इंटरेस्ट लिखा है, ठीक है। और यहां पर अभी ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। और यहां पर शायद मुझे ऐसे लग रहा है कि गाइस यहां पर जो यहां पर आधार कार्ड मेरा ऑलरेडी यूज्ड है, ठीक है। तो चलिए यहां पर हम पैन कार्ड डाल के देखते हैं, उसके बाद में देखते हैं होती है या फिर नहीं। तो भाई मैं यहाँ पर आधार कार्ड की जगह पैन कार्ड डाल चुका हूँ, ठीक है। तो अभी हम पैन कार्ड को एक्सेप्ट करके देखते हैं, अगर पैन कार्ड भी नहीं होता है तो हम लोग भाई तीसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है हमारे पास, बट इसके अंदर साफ लिखा है कि भाई थैंक यू फॉर एक्सपीरियंस, ठीक है। और यहाँ पर इंटरेस्ट लिखा हुआ है वी आर नॉट एक्सेप्टिंग एनी न्यू अकाउंट्स, तो भाई ये न्यू अकाउंट्स को एक्टिवेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी क्या करना मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपका जो न्यू अकाउंट अगर एक्टिवेट नहीं हो रहा है तो आप एक काम कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर पिछली वीडियो के अंदर भाई देखो अगर बिल्कुल ही अगर आप लोग नए यूजर्स हैं तो भाई इसके अंदर एक्टिवेट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अगर ये वाला ऑप्शन काफी मतलब ज्यादा लोग करके दिखा रहे हैं तो यहां पर भाई ये एक्टिवेट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि जैसा कि मैंने पिछली वीडियो के अंदर जो बताया था आप लोगों को उस मतलब उसको फॉलो करना है, और उसके बाद में आपको क्या करना है उस वाले आधार कार्ड को मतलब उस वाले अकाउंट्स को अपने नंबर के ऊपर ट्रांसफर कर लेना है। क्योंकि अगर आप लोग उसके नंबर को जैसे कि जो मैंने पिछले बार बताया था अगर आप उस पेटीएम को अपने नंबर पर ट्रांसफर करेंगे तो जो आपका पेटीएम वॉलेट है
वो सक्सेसफुली एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, अभी पेटीएम वॉलेट को एक्टिवेट मतलब ट्रांसफर कैसे करते हैं तो मैं आपको अभी बताऊंगा। ठीक है, आप लोग कैसे गाइज यहाँ पर अपने कुछ भी मतलब कोई भी अकाउंट्स को गाइज यहाँ पर ट्रांसफर कर सकते हैं, और काफ़ी ज़्यादा लोग आपको बता रहे तो भाई यहाँ पर अभी मतलब एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो आप लोग अभी यहाँ पर पेटीएम वॉलेट को एक्टिवेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग अपने कोई भी पेटीएम वॉलेट को गाइज, तो अभी चलिए मैं यहाँ पर ट्रांसफर करके आपको दिखा देता हूँ कि आपको ट्रांसफर कैसे करना है। ठीक है, उस वाले पेटीएम को अपने इस नंबर के ऊपर। तो गाइज यार देख सकते हो अभी हमारे पास इसके अंदर कोई भी ऑप्शन नहीं है, बट अभी भी एक ऑप्शन है। आप लोग क्या कर सकते हैं, अगर आप लोगों ने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप लोगों उस वीडियो को जरूर से देखना है, क्योंकि यार उसी वीडियो से अब ये वीडियो भी जुड़ चुकी है। ठीक है, तो आप लोगों को भाई एक काम कर सकते हैं, सबसे पहले आप लोगों को कोई भी अपने फ्रेंड्स का कोई भी फ्रेंड सर्कल में गाइज किसी का कैसा पेटीएम होना चाहिए मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, तो आप लोगों को उस वीडियो को जरूर से जाके चेकआउट करना है, क्योंकि हमने इस वाले फ़ोन को जो पेटीएम है गाइज हमने इस वाले पेटीएम वॉलेट को एक्टिवेट किया था। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, इसमें केवाईसी का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, बट गाइस अगर आप लोग देखेंगे तो इसके अंदर भाई कोई भी केवाईसी का ऑप्शन नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को देखिए करना क्या, मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, और ये ऐसा नहीं कि भाई ये कोई ओल्ड कोई स्क्रीनशॉट नहीं है, फोन ही है। ठीक है, आप टाइम वाइम सब कुछ मैच कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी फोन है बट इसके अंदर केवाईसी का ऑप्शन आ रहा है, इसके अंदर नहीं आ रहा है। तो आप लोगों को देखिए अब करना क्या, सबसे पहले गाइस हमें क्या करना है, इस वाले पेटीएम को हमें इस पर ट्रांसफर कर लेना है। ठीक है, अगर आपके फ्रेंड सर्कल में कोई भी अगर मतलब ऐसा पेटीएम है जो 2 साल से यूज़ नहीं हुआ है, ठीक है, और पेटीएम वॉलेट एक्टिवेट मतलब पेटीएम वॉलेट है, अगर चाहे उसका इनएक्टिवेट तो हो गया होगा, ठीक है, तो आप उसे एक्टिवेट करके, मुझे पता आपको समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि अगर आप लोग पहले पहला वीडियो देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो आप लोगों को क्या करना है, पहले इस वाले पेटीएम को हम इस पर ट्रांसफ़र करेंगे क्योंकि तभी हमारा अभी एक्टिवेट होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले मैं इस पेटीएम को किसी और पर ट्रांसफ़र कर देता हूँ, क्योंकि ऐसे मैं ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। तो चलिए सबसे पहले हम इस नंबर को खाली करते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि करना क्या है। हाँ, तो गाइज मैं भाई इस वाले पेटीएम को एक अननोन नंबर के ऊपर ट्रांसफ़र कर चुका हूँ। ठीक है, और भाई मुझे पता है आप लोग टाइम देख के बोल रहे हैं कि भाई काम 5 मिनट बाद क्या किया। ठीक है, तो अभी देख लो अभी भी फ़ोन है, कुछ मैंने ऐड नहीं किया। ठीक है, तो अब आप लोगों को क्या करना है गाइज, जो अभी देखो मैंने यहाँ पर आपको एक नंबर दिखाया था ना, तो अब आप लोग क्या करना, इस फ़ोन के अंदर मतलब इस वाले पेटीएम को अंदर जो एक्टिवेट है, जो कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि एक्टिवेट कैसे करना है अपने ओल्ड पेटीएम को, तो आप लोगों को भाई उस वीडियो को तो ज़रूर देखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग देख लेना, कमेंट पिन मतलब कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूंगा या आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा अपडेट नंबर का। ठीक है, इसके ऊपर टैप कर देना है, और इसके अंदर साफ कह रहा है, तो इसके अंदर साफ क्या कर रहा है, न्यू अकाउंट है, तो पहले आपकी यूपीआई आईडी वाईडी है वो सब क्रेडिट मतलब क्रिएट सब है जो भी रिमूव हो जाएगी, तो आपको कंफर्म के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, आप जैसे कंफर्म के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहां पर कह रहा है कि आप वोटर आईडी से ट्रांसफर करना चाहते हैं या फिर आप लोग इधर साइड में हो जा वोटर आईडी से ट्रांसफर करना चाहते हैं या फिर गेट ओटीपी के, तो हम करते हैं भाई गेट ओटीपी के प्रोसीड के ऊपर मैं क्लिक करता हूं, और यहां पर गाइस हमारे नंबर पे ओटीपी आएगा अभी उस नंबर पे जिस नंबर पे ऑलरेडी ये पेटीएम है। ठीक है, तो आप ऊपर से देख सकते हो यहां पर मुझे मैसेज मिल चुका है, ओटीपी हमारी 9047702 कंफर्म मैं करता हूँ। ठीक है, तो कंफर्म अब ये कह रहा है अपने न्यू नंबर डालो, मतलब अब आपको क्या करना है गाइस, अब आप लोगों को अपने नंबर डालना है, जिस नंबर पे जो भी आपका नया नंबर है ना उस नंबर को डालना है, क्योंकि तभी नए नंबर पे अकाउंट मतलब मैं आपको लास्ट में कुछ बताऊँगा फेस कैम में। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक नंबर डाल देता हूँ। ठीक है, मैं कुछ ब्लर कर दूंगा, तो मैं यहाँ पर न्यू नंबर डाल देता हूँ, नया नंबर डालूंगा तो अब हमारे उस नंबर पर ओटीपी कोड आएगा जिस नंबर पर हम लोग अपना पेटीएम ले जाना चाहते हैं। तो ओटीपी फाइनली हमें मिल चुका है, तो मैं ऐड कर दूँ 43 और यहाँ पर 83 और 00 और मैं कंफर्म के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही कंफर्म करूँगा ये कह रहा है मोबाइल नंबर अपडेट सक्सेसफुली। अब गाइस क्या होगा कि हमारा जो एक्टिवेट पेटीएम है ना वो हमारे इस नंबर पे आ जाएगा जो भी हमारा नया नंबर है। ठीक है, तो मैं पिछली वीडियो में यही बता रहा था बट मैंने देखा आधार कार्ड से हो रहा है, आधार कार्ड वहाँ पर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। अब भी भाई यहाँ पर एक ही चांस बचा है कि अपने नए नंबर के ऊपर आप पेटीएम वॉलेट को एक्टिवेट करने का सिंपल। ठीक है, तो चलिए अभी मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अपने उस नंबर से गाइस यहाँ पर लॉगिन करता हूँ जो नंबर मैंने दिखाया था। ठीक है, तो मैं परमिशन की लोकेशन दे देता हूं। ठीक है, और मैं यहां पर अपने भाई क्या सिम अच्छा ऑटोमेटिकली वेरीफाई करेगा, तो मैं यहां पर भाई पेटीएम नंबर को वेरीफाइड के लिए पर सक्सेसफुल कर देता हूं, तो शायद ये ओटीपी से होगा। ठीक है, क्योंकि भाई मेरा इस नंबर पे रिचार्ज नहीं है, तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ठीक है, तो भाई जैसे यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाता तो अभी ये ओटीपी से गाइज यहाँ पर होने वाला है। तो आप लोगों को देखिए ज़्यादा कुछ नहीं करना, अभी आप लोगों का जो पेटीएम भाई नया नंबर का पेटीएम है वो एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, तो भाई एक ही ट्रिक बची थी, सिंपल थी, तो मैंने सोचा क्यों ना भाई एक ही मैंने पहले भी बताया था कि मैं आपको जरूर से कुछ ना कुछ ऐसा तरीका बताऊंगा जहाँ से कि आप लोग अपना नया नंबर का पेटीएम है गाइज वो ट्रांसफर कर पाएंगे, मतलब नए नंबर से लॉगिन कर पाएंगे। तो कंटिन्यू ओटीपी के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, शायद आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि भाई ये फ़ोन पता नहीं क्यों उसके ऊपर ही चला जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ओटीपी
आ चुका है तो ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो गया, ठीक है। और आप खुद ही देख सकते हो कि हमारा पेटीएम है सक्सेसफुली रेडी भी हो गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पर स्किप कर देता हूँ, तो मैं डू इट लेटर के ऊपर क्लिक कर दूंगा, तो आप खुद ही देख सकते हो कि भाई हमारा जो पेटीएम वॉलेट है गाइज वो सक्सेसफुली एक्टिवेट हो चुका है हमारे नए नंबर के ऊपर, जो कि यार हम लोग ऑलरेडी भाई नहीं कर पाते। आप खुद ही देख सकते हैं भाई यहाँ पर हमारा जो पेटीएम वॉलेट है गाइज वो सक्सेसफुली अपडेट मतलब हो चुका है, चालू हो चुका है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, तो चलिए अभी थोड़ा मैं फेस कैम पे चलता हूँ, उसके बाद में आपको बताता हूँ कि करना क्या है। हाँ तो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई पेटीएम के अंदर अभी सिर्फ एक ही तरीका है, ठीक है, कि आप लोग ना भाई इसके अलावा कोई भी तरीका नहीं कि आप लोग भाई अपने नए पेटीएम को एक्टिवेट कर पाओ, ठीक है। अगर आपके पास खुद का कोई पेटीएम वॉलेट है मतलब खुद का पेटीएम है तो आप उसे नए नंबर पर ट्रांसफ़र कर लो, अगर आप कोई नया नंबर लेके आए तो पहले आप लोग ओल्ड वाले को जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया आपको उस प्रकार अपने किसी भी दोस्त का जो भी पेटीएम है उसे एक्टिवेट करना है। और ऑब्वियसली गाइस हो जाएगा, कोई अगर पेटीएम यूज़ नहीं कर रहा है ना तो हो जाएगा, आप लोग मुझे पता है समझ में कुछ भी नहीं आ रहा होगा आप लोगों की, ठीक है। तो आप लोगों पहली वाली वीडियो चेक करना, आपके सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो आप कुछ इस प्रकार से गाइस फिर उसके बाद में उसका पेटीएम अपने नंबर पे ट्रांसफर कर लेना, आपका जो पेटीएम वॉलेट है गाइस वो एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि यार ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वेल नोटिफिकेशन ऑल के ऊपर सेलेक्ट कर लेना। अगर आप लोगों ने हमारा यूट्यूब से रिलेटेड जो चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं किया, जो अभी हमने नया बनाया है, तो उसको भी जाकर चेकआउट कर लेना। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर, और पेटीएम रिलेटेड ये लास्ट वीडियो थी केवाईसी से रिलेटेड, ठीक है। अगर केवाईसी होती है तो गाइज मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा, वरना गाइज पेटीएम के रिलेटेड यहां पर जो वीडियो थी वो लास्ट हो चुकी है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं अगली वीडियो लेके आऊंगा, ठीक है। तो गाइज जब तक के लिए बाय।